न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। किसी ने क्या खूब कहा है कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की राय ली जाए। वह अपने ही दोस्त की पत्नी पर गंदी नजर रखता था, मोबाइल पर बात करने का दबाव बना रहा था। जब दोस्त की पत्नी ने बात करने से इनकार किया तो आरोपी दोस्त ने एक ऐसी साजिश रची कि आप सोच नहीं सकते। अब एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की पत्नी को बदनाम करने की ऐसी साजिश रची कि उसने उसे कॉल गर्ल्स बना दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्त की पत्नी को बदनाम करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी ने अपनी पत्नी साली, दोस्त और दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उस महिला को काल घर बता दिया, मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोस्त की पत्नी ने जब नंबर ब्लॉक किया तो वो उसे इंस्टाग्राम पर बदनाम करने लगे। एक महीने बाद पीड़िता ने पुलिस की मदद ली है। पुलिस ने 3 महिलाएं, लड़कियों सहित 6 पर छेड़छाड़, आईटी एक्ट सहित अन्य मामलों में केस दर्ज किया है। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने इलाके में रहने वाली 20 साल की शादीशुदा महिला की शिकायत पर अजय ठाकुर, उसकी पत्नी माया ठाकुर, साली पूजा वास्कली, दोस्त पुनिया भाल से निवासी कुंदन नगर, उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा निवासी हनुमान मंदिर कॉलोनी और गौतम खरोसिया निवासी ऋषि पैलेस कॉलोनी के खिलाफ छेड़छाड़, बदनाम करने, वसूली करने के मामले में केस दर्ज किया है। पीड़िता दोस्त की पत्नी ने बताया है कि अजय ठाकुर और गौतम करोसिया उसके घर आया जाया करते थे। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो उसके पति को जान से मार देंगे। आरोपी 1 माह से इस बात को लेकर उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों पर आरोपियों ने अश्लील फोटो व वीडियो एडिट कर महिला की अपलोड कर दिए थे। मोबाइल नंबर भी कालगल बताते हुए सार्वजनिक कर दिया था। पीड़िता कहती है कि आरोपी अजय और उसका पति अच्छे दोस्त थे। 1 माह पहले अजय ने दोस्त की पत्नी को कॉल किया, संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। इस दौरान पीड़िता ने मजाक समझकर उसकी बात को दरकिनार कर दिया। इसके बाद आरोपी अजय ने फिर कॉल किया, जिसके बाद यह बात उसने अपने पति को बताई। पति ने अजय को चेताया कि दोस्ती में यह बात ठीक नहीं। अजय और उसके बीच मोबाइल पर कहा सुनी हो गई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दे दी और अपने ही दोस्त की पत्नी का नंबर सोशल मीडिया में फोटो के साथ डाल दिया, कहा कि यह काल गल है। बहरहाल पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। 4-5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि उसके ही मतलब पहले जो परिचित लोग थे वो उसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बदनाम कर रहे हैं और उसके खिलाफ गलत लिख रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत उसने करी थी, जिस पर से अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की तलाश चल रही है। लेकिन कहते हैं और बुजुर्ग भी कहते हैं कि पत्नी को उन्हीं दोस्तों से मिलवाओ जिन पर भरोसा हो, नहीं तो फिर ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।